सामाजिक समता संघर्ष समिति हमेशा सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करती है और इसी संदर्भ में उन्होंने एक निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा। इस निवेदन में क्या मांग की गई है, आइए जानते हैं। सामाजिक समता संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद इरफान शेख के साथ एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी विनय गौड़ा को एक निवेदन दिया। शिष्टमंडल में अन्य लोगों में हर्षद कानमपल्लीवार, कादर शेख, विजय दुर्गे आदि मौजूद थे। इस शिष्टमंडल ने निवेदन देकर तंबाकू तस्करों पर मौका के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही अमली पदार्थ कायदा के तहत तंबाकू तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग की। और निवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन तस्करों पर अगर कायम स्वरूप कार्रवाई नहीं की गई तो वे फिर पुनः तंबाकू की तस्करी करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी। इसकी गंभीरता को देखते हुए इन तस्करों की टोली का बंदोबस्त करें और जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा निश्चित करें, ऐसी विनती इस शिष्टमंडल ने की और संबंध में जिलाधिकारी ने योग्य आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।